पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिन के दौरे पर केरल पहुंचे। उन्होंने कोच्ची में पहले पैदल रोड शो किया और बाद में गाड़ी में बैठकर लोगों के बीच गए। इस दौरान वे केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम यूथ इवेंट युवाम 2023 में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं भाजपा की सरकार हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। आज हर कोई ये कह रहा है कि किसवीं सदी भारत की सदी है। भारत वो देश है जिसके पास युवा शक्ति का भरपूर भंडार है। पहले सोच थी कि भारत बदलेगा ही नहीं, लेकिन अब सोच है कि हमारा देश अब पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक समय पर भारत की गिनती 5 सबसे कमजोर देशों में होती थी। आज भारत को अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऐसा देश के युवाओं की वजह से हुआ है। हमारी सरकार ने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। मछुआरे भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरल के लिए 800 करोड़ रुपए जारी किए गए। कुछ हफ्ते पहले मैं केरल के एक 99 वर्षीय युवा से मिला। वह एक प्रसिद्ध गांधीवादी श्री VP अपुकुट्टा पोडुवल है, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमें केरल की हर प्रतिभा से सीखने को मिलता है। एक तरफ हम देश का निर्यात बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहीं केरल में कुछ लोग सोने की तस्करी के लिए मेहनत कर रहे हैं। दो विचारधाराओं की लड़ाई में केरल को बहुत नुकसान हुआ है। एक विचारधारा अपने हितों को केरल से ऊपर रखती है, वहीं दूसरे अपने परिवार को सबसे ऊपर रखती है। ये दोनों विचारधाराएं हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।